Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. In this lecture we are going to discuss about the process of job application as well as cover letter format and minutes of meeting. So let us start with the job application. So job application is a basically part of a formal hiring process. Okay, so if any company wants to hire few of the person for some पोजीशन और जॉब रोल, किसी भी जॉब रोल के लिए कोई भी कंपनी जब कैंडिडेट्स हायर करती है तो वो जॉब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करती है. सो जॉब एप्लीकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्मल हायरिंग प्रोसेस टू इंश्योर डैट दे हैव बेसिकली. यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उन्होंने जितने भी जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनका परफेक्ट जो डेटा है वो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली गैदर कर लिया है. टू इंश्योर डैट दे हैव गैदर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट डेटा फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स. Often request certain information that is always not included on the resume and CV. और उसमें वो सारे sections भी included होते हैं जो कि हम CV में usually mention नहीं करते हैं. Okay, basically ये और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम cross check कर सकते हैं कि जो आपने resume में लिखा है वही आप इसमें भी लिख रहे हो या नहीं लिख रही. आपके information को basically cross check भी किया जा सकता है. So you can write क्रॉस चेक विद योर एप्लीकेशन टू इंश्योर डैट देर आर नो डिस्क्रिपेंसीज. सो बेसिकली देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन. उसमें से आपके वेरियस टाइप्स एक तो होंगे ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, दूसरा है आपका इन पर्सन जॉब एप्लीकेशन, तीसरा है आपका ईमेल जॉब एप्लीकेशन और पेपर जॉब एप्लीकेशन. तो ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन में यूजली जो जॉब सर्च इंजन से वहां पर की जाती है या फिर आप कंपनी की वेबसाइट पर उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन में यूजुअली जो मेरे सर्च इंजन्स हैं जैसे कि naukri.com हो गया, monster.com हो गया, वहाँ पे आप अपने उनका जो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स को डालते हैं उसके बाद में उसे अप्लाई करते हैं, या फिर आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे करियर के सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस हुआ उसको जब कैरी आउट करते हैं तो उसको हम ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन में गिनते हैं. सो बेसिकली पोस्ट योर रेज्यूमे ऑनलाइन. ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन इज पोस्टिंग योर रेज्यूमे ऑनलाइन और अप्लाई ऑनलाइन आइदर फ्रॉम द जॉब सर्च इंजन्स और फ्रॉम द कंपनीज वेबसाइट. इन पर्सन जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम ये यूजुअली रिटेल और हॉस्पिटैलिटी एम्प्लॉयर्स के लिए होता है. यहाँ पे हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. यहाँ पे हमें इन पर्सन जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होता है और एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि हमारा तुरंत से तुरंत इंटरव्यू हो. So retail and hospitality employers not complicated as applying online, but you need to be prepared to apply and maybe interview on the spot भी आपका यहाँ पे हो सकता है. Then email job application, let us suppose कि आपने एक advertisement देखी classified ads में कि job के लिए. Okay, just a second. Okay, so then हाउ विल यू राइट. और वहां पे एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखा है कि यू हैव टू ई मेल योर रेज्यूमे ऑन सो एंड सो ई मेल आई डी. तो आप लोग कैसे लिखोगे, दिस इज विद रेफरेंस टू द, और उसके बाद में जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसको आप लिखोगे और जो डेट है और जिस न्यूज पेपर से वो रिलेटेड है उसको आप वहां पे लिखोगे. ठीक है, और उसके बाद हम उसे दिस इज विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर सो एंड सो डेटेड ऑन न्यूज पेपर. I am applying for the job and I'm attaching my resume herewith. Okay, and if I am the rightful candidate or if I am a deserving candidate, please let me know. Hoping for your reply soon. इस तरीके से जब आप apply करते हो और email के through apply करते हो formally, then it is an email job application. That it is important that all your communication are as professional as if they would be if you are mailing a paper application. और जो पेपर जॉब एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट इन हैंड एप्लीकेशन की तरह ही होता है. यहाँ पे पेपर जॉब एप्लीकेशन, दिस आर द पेपर जॉब एप्लीकेशन डेट फॉर्म्स डेट यू फिल आउट इफ यू अप्लाई इन पर्सन फॉर अ पोजीशन. ओके, सो बेसिक जो फॉर्मेट होता है सैम्पल जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का वो कुछ इस तरीके से होता है. उसमें सबसे पहला सेक्शन हो सकता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जो कि इंक्लूड करेगा नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस इत्यादि. देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका आधार नंबर भी इंक्लूड हो सकता है. आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सेक्शन आ सकता है. देन हैव यू बीन एवर कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, मैरिटल स्टेटस, वेदर यू आर सिंगल, मैरिड और अनमैरिड,
ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर द पर्सनल इंफॉर्मेशन। देन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितनी भी आपकी अभी तक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे स्कूल अटेंडेड, डिग्री, ग्रेजुएशन डेट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। देन जितने भी सर्टिफिकेशन है वो इंक्लूड होंगे, ग्रेड पॉइंट एवरेज इंक्लूड होगा, लीडरशिप रोल जितने भी आपने हेल्ड किए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में बेसिकली एम्प्लॉयर, तो जहाँ पे भी आपने काम किया उसकी डिटेल्स होंगी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल होगा, फिर वहाँ पे आपने क्या जॉब टाइटल लिया था वो होगा, वहाँ पे कितनी एक्सपेक्टेड कितनी आपकी सैलरी थी, ओके, एंड कब आपने वहाँ पे काम शुरू किया था, कब ख़त्म किया था, और उस जॉब को छोड़ने का क्या रीज़न था, वो रीजन फॉर लिविंग में आ जाएगा। देन परमिशन टू कॉन्टैक्ट प्रीवियस एम्प्लॉयर, ओके, दिस इज सैम्पल जॉब एप्लीकेशन। और उसके बाद में रेफरेंसेस में बेसिकली कि आपका आपके काम का रेफरेंसेस हम किससे ले सकते हैं, जब दूसरी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने उस कंपनी में कैसा काम किया है उसका जो रेफरेंसेस जब आप देना चाहते हो तो वहाँ पे आपको उनका नेम, जिस भी पर्सन का नेम है जो कि प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जिसमें आप काम कर रहे थे उनका नाम आ सकता है, ठीक है। देन जॉब टाइटल विल बी देयर, देन कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा विल बी देयर, ओके। सो दिस इज एन एग्जांपल, फॉर टाइप ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन। नाउ लेट अस डिस्कस कवर लेटर। सो फॉर कवर लेटर लेट अस डिस्कस सम फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग कवर लेटर एंड देन विल सी what are the format for cover letter. So cover letter is usually used for applying for a particular job. Based on this recruiter may decide whether to offer you job or not. So cover letter bhi kuch resume ki tarah hi hota hai, resume ki tarah to nahi keh sakte, but ek tarah se job dilane ke liye, jaise job application job dilane ke liye helpful hai, resume job dilane ke liye helpful hai, waise hi cover letter bhi job dilane ke liye helpful hota hai. सो बेसिकली इसको देख के ही आपका जो रिक्रूटर होता है जो आपको जॉब देने वाला है वो डिसाइड करता है कि वेदर आपको वो ऑफर दिया जाए या ना दिया जाए, या फिर आपको इंटरव्यू में ही बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रिक्रूटर देखता है। सो कवर लेटर इज यूजुअली यूज फॉर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, बेस्ड ऑन दिस रिक्रूटर में डिसाइड वेदर टू ऑफर यू जॉब और नॉट, ओके। नाउ फ्रॉम द कवर लेटर, कवर लेटर से आपको ईजिली पता हो जाना चाहिए दैट यू कैन डू द जॉब ईजिली फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर, मतलब जो बंदा आपका लेटर पढ़ रहा है उनको ये यकीन होना चाहिए कि आप जो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब को ईजिली कर पाओगे, इस तरीके से आपको कवर लेटर लिखना है। फ्रॉम द कवर लेटर इट शुड बी एविडेंट डेट यू कैन डू द जॉब ईजिली फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो रिक्रूटर ये देखेगा बेसिकली कि आप उस जॉब के लिए गुड फिट है या नहीं है, तो रिक्रूटर में सी वाया द कवर लेटर वेदर यू आर good fit for the given job or not. Then you can also adjust the tone and make stories so as to make the recruiter feel that you are really want the job. तो basically आपको यहाँ पे stories भी बना सकते हो आप, basically आपको ये कहना है कि आप उनकी company में interested हो, तो उस company में जो interest है वो आपने बचपन से किस तरीके से develop किया, तो इस तरीके से आप एक story बना सकते हो, जैसे कि let us say कि आपको particular field में interest है तो वो interest किस तरीके से जगा वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, सो द रिक्रूटर मे सी वेयर द कवर लेटर वेदर यू आर गुड फिट फॉर द गिवन जॉब और नॉट। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द टोन एंड मेक द स्टोरीज सो एज टू मेक द रिक्रूटर फील दैट यू रियली वॉन्ट द जॉब, ओके। नेक्स्ट, स्टार्ट योर लेटर बाय ग्रैबिंग देम हेलो, जब अपना लेटर स्टार्ट करोगे तो आप डियर और उसके आगे जो भी नेम है वो लिख के और उनको हेलो से आप अपना लेटर को शुरुआत करोगे। उसके बाद में वी हैव टू एक्सप्लेन कि हम उस कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई यू वांट टू वर्क विद दैट कंपनी फॉर द गिवन पोस्ट, और उस पोस्ट पे आप क्यों काम करना चाहते हैं। आपको बेसिकली वही मैं आपको कह रहा हूं कि आप स्टोरी की तरह उसको लिखिए, ठीक है। लॉन्ग हो सकता है कवर लेटर, देयर इज नो इश्यू। पोजिशन योर सेल्फ एज बोथ स्किल फिट एज वेल एज कल्चरल मैच फॉर द जॉब, अपने आप को इस तरीके से पोजिशन कीजिए कि उसमें स्किल फिट और कल्चरल मैच दोनों आप
वहाँ पे दिखा सको। स्किल फिट तो ये हो गया कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो स्किल्स है रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास में होंगे, लेकिन कल्चरल मैच भी होना ज़रूरी है, जैसे कि वहाँ पे वर्क टाइमिंग्स क्या हैं, क्या कल्चर है और किस तरह से ड्रेसेस होते हैं और किस तरीके से इन्वायरमेंट वहाँ पे है, वो उसको आप मैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी आपके कवर लेटर से क्लियरली पता चलना चाहिए। सो अपने आप को इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि आपको जो रिक्रूटर है उनको लगे कि यू आर बेस्ट फिट बोथ एज स्किल फिट एंड कल्चरल मैच फॉर द जॉब। पोजिशन योर सेल्फ एज बोथ स्किल फिट एंड कल्चरल मैच फॉर द जॉब। आपको हमेशा याद रखना है कि आप सिर्फ एप्लीकेशन हेयर एंड देयर थ्रो नहीं कर रहे हो, यू वॉन्ट द जॉब, डेट्स वाई यू आर अप्रोचिंग द कंपनी वेरी थॉटफुली। सो यू आर नॉट जस्ट थ्रोइंग एप्लीकेशन हेयर एंड देयर, यू आर अप्रोचिंग द कंपनी वेरी थॉटफुली। यू हैव टू मेक दैम बिलीव डैट यू लव वॉट दे डू। उनको आपको ये यकीन दिलाना है कि जो वो कंपनी काम करती है वो आपको बहुत पसंद है और आपके पास में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल है उस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस डैट यू गॉट स्पेसिफिक स्किल्स। तो आपके पास में स्पेसिफिक स्किल्स हैं प्रेजेंट, उसका एक डायरेक्ट एविडेंस भी आप यहाँ पे देने की कोशिश करो। ठीक है, इट कैन बी लॉन्ग, यू नॉट ओनली हैव द आइडिया ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। फिर लास्ट में जब हम समराइज करते हैं तो आपको इस तरीके से समराइज करना है कि आपको यकीन दिलाना है कि डेट यू आर वेरी ग्रेट फॉर द जॉब एंड दे ऑल शुड कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, एनकरेज देम टू कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। अब ये तो हमने पॉइंट्स देख लिए कि हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जब हम कवर लेटर लिखते हैं। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। स्ट्रीट या यस, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ कवर लेटर। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है, प्लेस लिख दी है और ईमेल आईडी लिख दिया है। तो डियर मिस फ्रेशर, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। सो देखो स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे जो जिसने भी लेटर लिखा है, स्टार्टिंग में दे हैव एक्सप्लेन व्हाई दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन द कंपनी, व्हाई दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन द जॉब। उसके बाद तो किस तरीके से लिखा है एक बार पढ़ के देख लेते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। ग्रोइंग अप इन शिकागो माय मॉम ओन्ड अ बिजनेस एंड बिकम अ मिलियन माइलर फ्लाइंग अमेरिकन। अंडरस्टैंडेबली दिस मेंट दैट अमेरिकन फ्लू अस टू एवरी फैमिली वेकेशन डेस्टिनेशन। आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एंड बाय द टाइम आई वॉज 9 ईयर ओल्ड आई हैड डिसाइडेड दैट आई वुड गो टू स्कूल टू बिकम एन अमेरिकन एयरलाइंस पायलट। I became a marketing strategist and product manager instead working on the behalf of Fortune 500 companies including one of the world's largest producer of health and wellness product. तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो राइटर है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने बताया कि मुझे बचपन में कैसे उस चीज पे इंटरेस्ट है, उनकी कंपनी पे कैसे इंटरेस्ट है, लेकिन फिर वो दूसरी पोस्ट पे चला गया। अब वो बता रहा है कि यही पोस्ट इसी कंपनी में निकली है तो मैं जो है अप्लाई करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, उसके बाद में इसने ये बताया कि व्हाट स्पेसिफिकली वुड आई ब्रिंग टू डिजिटल स्ट्रेटजी टीम एज योर नेक्स्ट प्रोडक्ट मैनेजर। तो जिस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या स्किल सेट उसके पास में है और क्या क्या एक्सपीरियंस उसके पास में, वो यहाँ पे बताया उसने। जैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिंग अ ट्रू शॉपिंग एक्सपीरियंस, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन स्किल्स, डेमोंस्ट्रेटेड सक्सेस इन कंबाइनिंग वेब एनालिटिक्स डेटा विद कंज्यूमर इनसाइट एंड एन इनसेटेबल डिजायर टू क्रिएट समथिंग ट्रूली स्पेशल। तो जितने भी आपके एक्सपर्टाइज है वो सब आप इसमें एक्सप्लेन कर दो। फिर लास्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा था क्लोजिंग करते वक्त हमें ये दिखाना है कि डैट वी आर द बेस्ट फिट फॉर द जॉब। तो इन्होंने क्लोजिंग करते वक्त लिखा, आई बिलीव माई पैशन फॉर द ब्रांड डिजिटल एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेंथ एंड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन कैपेबिलिटीज वुड सर्व यू वेल। आई वुड लव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट योर स्पेसिफिक गोल्स एंड नीड्स एंड शेयर सम थॉट्स ऑन हाउ आई कुड सपोर्ट योर एफर्ट्स टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग गेम चेंजिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, देन आई अप्रिशिएट योर कंसिडरेशन, मे बी मीट एंड डिस्कस द रोल, रिगार्ड्स, और अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। तो ये तो था एग्जाम्पल कवर लेटर का। ठीक है, तो आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और हम देख लेते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग को। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मीटिंग क्या होती है। सो देखो मीटिंग तो कई प्रकार की हो सकती है। अगर या तो मीटिंग हो सकती है कि एक जनरल डिस्कशन करने के लिए कि आपको आपकी जो कंपनी है
वहाँ पे आपको सबको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है सबको, उसके लिए मीटिंग बुलाई जा सकती है, या फिर कोई कंपनी में पर्टिकुलर डिसीजन लेना हो उसके लिए मीटिंग बुलाई जा सकती है। या तो देखो, जब हमें ऐसा डिसीजन लेना हो जिसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, एक घंटे का लेटर सपोज टाइम लगेगा, तो उसमें हमें कम से कम लोगों को बुलाना चाहिए, और ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो इफेक्टिवली सब चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर सके। पूरे सबको बुलाने की ज़रूरत हमें वहाँ पे थोड़ी कम पड़ेगी। तो ऐसी मीटिंग्स में जो डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के बाद में एक समराइज आप कह सकते हो, एक समरी टाइप की बनती है, उसको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। और उस मिनट्स ऑफ मीटिंग को किस तरह से लिखते हैं, आइए उसका फॉर्मेट हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम फॉर्मेट देखेंगे, फिर हम एक सैम्पल मिनट्स ऑफ मीटिंग देखें। तो सबसे पहले फॉर्मेट में आप लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो यहाँ पे आएगा, जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मीटिंग मिनट्स आप नीचे लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे डेट, जो भी डेट होगी आपको वो यहाँ पे लिखना है। देन ओपनिंग में सबसे पहले कि कहाँ पे वो मीटिंग कॉल की गई थी, ठीक है, और कब कॉल की गई थी और किसने कॉल की गई थी, वो सारी चीज़ें हमें ओपनिंग में लिखी है। सो व्हेन द मीटिंग वॉज कॉल्ड to order, where it was being held and who called it to order, all should be mentioned in the opening. Then present में जितने भी members आपके present हो वो सारे यहाँ पे आने चाहिए, all the present members should be present in the present. And absent में जो अगर जितने member आपने invite किए उसमें से अगर कोई absent हो गया तो उनको आपको यहाँ पे mention करना है। Then approval of agenda and approval of minutes आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। अप्रूवल ऑफ एजेंडा की क्या एजेंडा है, उसको सभी लोगों ने अप्रूव किया है या नहीं किया है, मिनट्स है उनको सबने अप्रूव किया है या नहीं किया है, ठीक है। फिर प्रीवियस मीटिंग्स में आपने क्या क्या बिजनेस डिस्कस किया था और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अप्रूव हुई थी और क्या क्या चीज़ें डिसअप्रूव हुई थी, वो भी आप इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख देंगे। डेट इज बिजनेस फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग, एनी मोशन और टॉपिक्स डेट वर प्रीवियसली रेज्ड, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट टुक प्लेस एंड वेदर दे वर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, ऑल शुड बी मेंशन्ड ओवर हियर। Then new business, any motion or topics that were raised for the first time at this meeting, a brief description of what took place and whether they were approved or rejected. तो new business में basically आप ये include करोगे कि इस meeting में आपने क्या क्या discuss किया और whether सबको approve किया गया और किस चीज को reject किया गया, all you should be mentioning over here. Then addition to the agenda, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वॉट एवर द एजेंडा इज फॉर द मीटिंग, उसके अलावा जो भी डिस्कशन हुए, एक्स्ट्रा डिस्कशन हुए, उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एनी एडिशनल आइटम्स डेट वर रेज बाय द कमिटी मेंबर्स विल बी इन द एडिशन टू एजेंडा। एडजॉर्नमेंट में बेसिकली कि मीटिंग कब खत्म हुई थी, कब फिनिश हुई थी, वो यहाँ पे लिखना है, और नेक्स्ट टाइम मीटिंग कब होने वाली है वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। सो वॉट टाइम द मीटिंग वॉज एडजर्न एंड बाय हुम, एज वेल एज वेयर द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड एंड वेन। देन मिनट्स सबमिटेड बाय, जिसने भी मिनट्स लिखी है उनका नाम आएगा और किसने अप्रूव किया उनका नाम आएगा। तो ये तो था फॉर्मेट, एक सैम्पल हम लोग देख लेते हैं। लेट अस सपोज, सो दिस इज, देखो यहाँ पे इन्होंने कंपनी का नाम लिख दिया, टोरंटो एसोसिएशन ऑफ बी कीपर्स, मीटिंग मिनट्स, डेट लिख दी यहाँ पे। ओपनिंग में जैसे कि मैंने कहा था आपको कि कहाँ पे हुई है, कब हुई है, वो सारी चीज़ें लिखनी। तो रेगुलर मीटिंग ऑफ टोरंटो एसोसिएशन ऑफ बी कीपर्स was called to order at 6 PM on April 25, 2019 in the Hive by Tatiana Morant. Okay, so यहाँ पे basically किसने बुलाई, कब बुलाई, क्यों बुलाई, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर कौन कौन प्रेजेंट मेम्बर है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया हुआ है, टाटियाना मोरांट फैसिलिटेटर, रुसा श्यामाला सेक्रेटरी, सैफुल्ला डेगेनी बोर्ड मेम्बर, जूड़ा जैकरी बोर्ड मेम्बर, अगाथा केक बोर्ड मेम्बर, ड्रिसिला लैंगोस बोर्ड मेंबर, एनरिक कार्वर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर एबसेंट मेंबर्स का भी हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, जेम्स क्लार्कसन मार्केटिंग मैनेजर। तो इस तरीके से बेसिकली कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट हैं, उनके क्या पोस्ट है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एबसेंटी भी मेंशन कर सकते हो। देन अप्रूवल ऑफ एजेंडा, द एजेंडा वॉज अनैनिमसली अप्रूव्ड बाय एज डिस्ट्रीब्यूटेड, और अप्रूवल ऑफ मिनट्स भी अनैनिमसली अप्रूव्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। फिर बिजनेस फ्रॉम प्रीवियस मीटिंग्स, जो पिछले मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड की हैं, और क्या क्या वहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, क्या क्या अप्रूव हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और फिर न्यू बिजनेस में हमने इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया है और क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या अप्रूव हुआ है, उसको हमने इंक्लूड किया है। देन एडिशन टू द एजेंडा, तो जो एजेंडा है उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमने लिख दिए। फिर एजेंडा फॉर नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग के लिए एजेंडा डिसाइड होगा कि क्या होगा, और एडजॉर्नमेंट की किस टाइम पे मीटिंग को एडजॉर्न किया गया और किसने एडजॉर्न किया, और जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होगी और कहाँ पे होगी,
मीटिंग सबमिटेड बाय दुर्सा सामेला अप्रूव्ड बाय एनरिक कार्बर। तो ये हमारा मीटिंग्स और मिनट्स था। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।